अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक लेटेस्ट अपडेट, जो कि मारुति सुजुकी में आप TW टेम्परेरी वर्कर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र में आपको टाइप करना है MarutiSuzuki.com, वो टाइप करना है MarutiSuzuki.com। ये टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा खुल करके। इसके बाद यहाँ इस साइड में आप देख सकते हैं ये जो 3 डॉट्स दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ कॉरपोरेट है होम के नीचे, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कैरियर पे जाना है, कैरियर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ कैरियर पे जाना है। कैरियर पे जाने के बाद आपको स्लाइड करके नीचे आना है, सिंपली आप देख सकते हैं नीचे आना है। नीचे जब आएंगे तो सबसे नीचे आप देख सकते हैं वर्कमैन हेयरिंग ITI, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं। तो इस पर फिर आपको यहाँ क्लिक करना है, एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको अप्रेंटिस के लिए ऑप्शन देता है, ये यहाँ देख सकते हैं अप्रेंटिस के लिए दे रहा ऑप्शन, यहाँ TW टेम्परेरी वर्कर के लिए आपको दे रहा है। और यहाँ आपको थोड़ा सा हम नॉलेज के लिए बता दें कि जो अप्रेंटिस का होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट ITI वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और टेम्परेरी वर्कर के लिए कोई भी ITI से हो आप, सिर्फ NCVT या SCVT से आपको ITI किया रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिशियन हो या फिटर कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो आपको टेम्परेरी वर्कर पे क्लिक करना है, इसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं टेम्परेरी वर्कमैन हियरिंग। तो इसके बाद आपको डिटेल्स एंड प्रोसेस दिखा रहा है, एलिजिबिलिटी दिखा रहा है, क्राइटेरिया कि एज कितना चाहिए। तो एज आपको चाहिए 18 से 26 होना चाहिए, ज्वाइनिंग डेट ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग के समय तक आपका 26 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन ITI पास होना चाहिए, SCVT या NCVT कोई भी चलेगा। इसके बाद आप देखते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस जो है इसका, वो है जैसे कि लास्ट डेट इसका दिखा रहा है, आप देख सकते हैं 30 अप्रैल 2020 1:52 तक इसका, शाम में दोपहर के 1:52 तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। ऑनलाइन टेस्ट होगा इसका, और आपको आगे मैं बताता चलूं कि इसमें आपको एक ईमेल ID का ज़रूरत पड़ेगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ईमेल ID होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, मतलब ईमेल ID सही होना चाहिए, उसका आपको पासवर्ड वगैरह सारा चीज़ याद होना चाहिए। ईमेल ID चाहिए, मोबाइल फ़ोन नंबर चाहिए, और फ़ोटो चाहिए। उसके बाद आपको ITI मार्कशीट चाहिए, ये चीज़ सारा चीज़ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल ID इंटर करना है, अपना ईमेल ID आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट करेंगे, ईमेल पर आपका एक OTP जाएगा, उसे यहाँ इंटर करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट इंटर करता हूँ अपना। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना ईमेल ID इंटर कर दिया। इसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का OTP वाइज सेंड टू, जो ईमेल ID है उस पर सेंड कर दिया गया है। अगर आपका ईमेल ID नहीं एक बार में अगर जाता है आपकी ईमेल पे, तो यहाँ से रीसेंड भी आप एक बार क्लिक कर सकते हैं। कुछ देर वेट करने के बाद, कुछ समय वेट कीजिए, उसके बाद अगर नहीं जाता OTP तो रीसेंड पे भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ अपना, अगर मेरा OTP आ गया होगा ईमेल पे तो मैं यहाँ इंटर करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना OTP इंटर कर दिया, 4797961 मेरा आया था इंटरफी। फिर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद वेरीफाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का फिर खुल कर आएगा इंटरफेस, देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ़ोटो मैं अपना डाल दिया, और इसके बाद यहाँ पे आपको नाम अपना चूज करना है। यहाँ आप अपना फ़ोटो डालना है, इसके बाद यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे जेंडर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ इवेंट लोकेशन, मतलब आप जहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू देने वो उसका लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ ऑप्शन दे रहा है। भटिंडा पंजाब दे रहा है, इंदौर MP दे रहा है, विशाखापट्टनम दे रहा है, जलगांव दे रहा है महाराष्ट्र में,
तो ये सब ऑप्शन दे रहा है, जहाँ आपका नज़दीक पड़े वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आगे फिर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी जो डालेंगे वो और रहेगा, इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है एक, इसके बाद एक और एडिशनल मोबाइल नंबर डालना चाहे तो डाल सकते हैं आप। इसके बाद फिर आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, करेंट एड्रेस आप जहाँ पर रह रहे हैं वो भी, उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। अगर करेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे तो करेंट और परमानेंट आपका दोनों सेम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टेंथ का अपना परसेंटेज वगैरह सारा चीज़ डालना है, कब पास किए, पासिंग और बोर्ड नेम, आईटीआई डिटेल्स यहाँ पे आपका भरना, आईटीआई नेम हो गया, ट्रेड हो गया। इसके बाद फिर आपको स्टेट डालना है कि आपका कौन से स्टेट से आईटीआई किया था आपने। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालना है, यहाँ पर आईटीआई टाइप डालना है, जैसे प्राइवेट था या गवर्नमेंट था ऐसा कुछ। इसके बाद यहाँ पे काउंसिल डालना है, एनसीबीटी या एससीबीटी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना आपको परसेंटेज डालना होगा, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डालना होगा कि कब आप पास किए थे ये चीज़। अगर आप यहाँ पे आगे भी कोई कोर्स किए हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं ट्वेल्थ या पॉलिटेक्निक कुछ किए हैं तो, और अदर इंफॉर्मेशन आप यहाँ पूछा जा रहा है, यू हैव मेक्ड इन MSIL, वर्कड इन MSIL बिफोर, यानी आप पहले मारुति सुजुकी में काम कर चुके हैं, अगर किए हैं तो यस कीजिए और नहीं किए हैं तो नो कीजिए। इसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है, इसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जो आपका ITI का मार्कशीट होगा अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ये टिक करना है, इसके बाद यहाँ सबमिट नाउ पे क्लिक करना है, सारा चीज़ आप अपना इन्फॉर्मेशन मिला एक बार चेक कर लीजिए, इसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, इसी भी आ जाएगा एक आपका सक्सेसफुल करके कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया ऐसा कुछ करके। तो दोस्तों ये इसका लास्ट डेट 30 अप्रैल तक है, तो आप इसका मतलब रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर लीजिएगा। और रही बात आपको अगर फ़ोटो और सिग्नेचर, अरे फोटो और मार्कशीट का जो मतलब अपलोड करना है उसका रिसाइज अगर करने का वो नहीं होगा आपसे, अगर रिसाइज नहीं हो पाएगा तो मैं उसका लिंक वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा, जैसे ये वीडियो समाप्त होगा वो आपको स्क्रीन पर दिखने लगेगा, वो उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे फ़ोटो रिसाइज करना है और डॉक्यूमेंट्स रिसाइज करना है, इसके बाद आप आसानी से यहाँ अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सबको यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया था, और चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हर एक ITI के बंदा अपना ऑनलाइन कर सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।